हेलो नमस्कार, नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीषा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये जो हमारा एचपी टेट का बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप में से जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच को स्टार्ट नहीं किया है, उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना होगा। और बैच में एनरोल होने के लिए आपको 9459802085 पर कॉल करनी होगी, इसके बाद जो है वो आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। ये जो हमारी क्लासेस चली हुई हैं, ये हमारी जो क्लासेस हैं वो साइकोलॉजी की, फिजिक्स की, मतलब एचपी टेट का एक पूरा बैच जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आज की क्लास रहेगी साइकोलॉजी की, और उसमें भी हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जो साइकोलॉजी की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो है वो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ा। अब एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ से हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टाइप से थ्योरी है जिसको आज हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, जो इसके प्रतिपादक थे, जो इसके जन्मदाता थे वो कौन थे? हार्वर्ड गार्डन। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी उन्होंने थ्योरी दी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये जो हार्वर्ड गार्डन थे इन्होंने अपना ये जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस इसमें बताया क्या आखिरकार? इन्होंने बोला कि जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है जी फैक्टर, एस फैक्टर, ऐसे ऐसे फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस में, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बेसिकली बताया क्या? इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो कोई फैक्टर नहीं है, कोई कारक नहीं है, कि जैसे आप नाम दे रहे हो जनरल फैक्टर है या एस फैक्टर है, वैसा कोई कारक नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मल्टीपल बहुबुद्धि, मतलब कि हर एक पर्सन क्या है, किसी ना किसी फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। बुद्धि क्या है? मतलब कोई हर एक पर्सन, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन जो है वो अगर किसी एक काम में अच्छा नहीं है तो वो दूसरे काम में अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि इन्होंने बेसिकली अपनी जो इंटेलिजेंट की जो थ्योरी थी, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी, उसमें क्या बोला कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। हर एक व्यक्ति में, हर किसी मतलब हर कोई व्यक्ति जो है किसी ना किसी फील्ड में क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इन्होंने बेसिकली कितने 8 टाइप की बुद्धि के बारे में बात की। वैसे तो कई बुक्स में क्या लिखा है, 7 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, कई तो 9, 10, 11 तक भी पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन एज पर एनसीईआरटी हम देखें, एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो उसमें उसमें क्या है, जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें 8 ही जो उन्होंने बुद्धि है उनके बारे में बताया हुआ है। तो हम भी बेसिकली कितनी 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम था 1983 में आई थी ये बुक, बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फर्स्ट टाइम इन्होंने इस बुक में जो है वो क्या किया था, इस मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बुक कौन सी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और आई कब थी ये, 1983 में। अब ये तो बात हो गई हार्वर्ड गार्डन की, उनकी बुक की, और उन्होंने बात की कितनी 8 टाइप की बुद्धि के बारे में। अब वन बाई वन जो है हम जो उन्होंने बात की है मल्टीपल इंटेलिजेंस की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि। अब इस जो ये बुद्धि हैं इन्हें पढ़ने से पहले, जो ये इंटेलिजेंस हैं इन्हें पढ़ने से पहले अगर मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है लिम्स लाइंस। क्या है ये? लिम्स लाइन। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म जो है यहाँ से बना के यहाँ क्या लिखी हुई है कि आप
आसानी से क्या याद कर सको। ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसी से रिलेटेड क्या है, हमारी 8 प्रकार की बुद्धि को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लाइम्स। लाइम्स से एल से आपके पास आ जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आई से आ जाएगी आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एम से आ जाएगी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। बी से आ जाएगी आपकी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसी तरह से नेक्स्ट 4 को हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होगी आपको लर्न करने के लिए कि आप इस तरह से याद रख सकते हो लिम्स लाइन से कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी उसमें कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि थी। ठीक है, तो फर्स्ट आती है हमारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है भाषाई बुद्धि। ये इंटेलिजेंस उन पर्सन में पाई जाएगी, उन व्यक्तियों में पाई जाएगी जो क्या, जिनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होगी दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये उस पर्सन में पाई जाएगी जिसकी भाषा पे क्या हो, पकड़ जो हो वो मजबूत हो। पकड़ का मतलब है वो अच्छे से लिखना जानते हो, राइटर हो सकते हैं आपके, अच्छे से पढ़ते हो। अच्छे से पढ़ने का क्या मतलब है, उनकी भाषा, उनको पता है कि कौन सा शब्द कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे डिबेटिंग होती है आपकी, डिबेट में क्या होता है, पक्ष विपक्ष बैठते हैं, तो उसमें क्या है, आपकी भाषा पे क्या है, पकड़ होना ज़रूरी है। तभी आप क्या सामने वाले के क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है ये उन पर्सन में पाई जाती है जिनकी क्या हो, भाषा पे पकड़ अच्छी हो या ज्यादा हो। जैसे यहां मैंने लिखा है स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या तो वो भाषा का उत्पादन का मतलब है अपने जो शब्द हैं, अपनी जो भाषा है, अपने जो विचार हैं उनको अच्छे से प्रस्तुत कर पाएं। एंड यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि उसका क्या, हम प्रयोग भी क्या अच्छे से कर पाएं। प्रयोग का मतलब हम दूसरों की जो बात वो बोल रहे हैं उसको भी क्या अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएं, समझ पाएं। ठीक है, तो क्या मतलब है, ये भाषाई जो योग्यता होती है, भाषाई जो बुद्धि होती है उन पर्सन में होती है जो क्या, जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी होती है। वो अच्छे से रीड करते हैं, उनका जो सुनने की शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है वो अच्छी होती है, स्पीकिंग स्किल उनमें होती हैं। ये तो ये हो गया ना कि अगर भाषाई जो बुद्धि अगर आपके पास है तो क्या होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल भी अच्छी होंगी, आप लिखोगे भी अच्छा। तभी आते हैं ना वो जो राइटर होते हैं, जो पोइट होते हैं, उनकी क्या होती है, भाषा पे पकड़ होती है, यानी भाषा को क्या अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, मतलब भाषा को अच्छे से समझते हैं वो। डिबेटिंग होगी आपकी, अभी बताया मैंने कि पक्ष विपक्ष में बैठते हैं लोग, तो क्या वहाँ पे क्या उनकी जो भाषा पे पकड़ है अच्छी होना ज़रूरी होती है या अच्छी होती है। ठीक है, जैसे डिस्कशन हो गई, तो क्या है ये सब, जो ये सारी कौन सी इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। जैसे इंटर स्टेट बसेस होती हैं वैसे ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति। इंटर का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसी तरह ये इंटर है, उसी तरह एक आता है इंट्रा। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, और इंट्रा होता है खुद को समझना, खुद की फीलिंग के बारे में जानना, खुद की अवेयरनेस होना। तो और ये इंट्रा क्या होता है, दूसरों की अवेयरनेस, दूसरों के व्यवहार को जानना, दूसरों की फीलिंग को जानना। ठीक है, तो ये हो गया इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ये क्या होती है, ये कौन से पर्सन में पाई जाएगी, सेंसिटिविटी टू सेवरल एस्पेक्ट ऑफ अदर। मतलब कि ये बुद्धि उन पर्सन में पाई जाएगी जो दूसरों के व्यवहार को क्या जल्दी से या अच्छे से समझ लेते हैं।
किसको, जो दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की फीलिंग को, दूसरों की जो व्यवहार है उसको क्या करते हैं, वो अच्छे से समझ लेते हैं, उनमें ये पाई जाएगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल आपके साइकोथेरेपिस्ट, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को क्या वो अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे काउंसलर होते हैं स्कूल या फिर कॉलेजेस में, क्या होते हैं काउंसलर होते हैं, वो क्या करते हैं काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग किस चीज़ की करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्या करते हैं गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो किस चीज़ में लैग कर रहा है उसका पता लगाते हैं। मतलब क्या वो दूसरों की क्या, जो सामने वाला है उसकी क्या फीलिंग को क्या अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके व्यवहार को क्या अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, उनमें पाई जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या पाई जाती है उनमें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें जो है एग्जांपल जैसे आ गया साइकोथेरेपिस्ट आ गया, सोशल वर्कर आ गए, वो क्या होते हैं वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सोचने का मतलब है कि उनकी फीलिंग, उनके बिहेवियर को क्या करते हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं, तो उनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। यहाँ पे जो है वो आपका एग्जांपल क्या, टीचर भी आ सकता है। टीचर क्यों आएगा, क्योंकि वो भी क्या है, उसको भी क्या करना है, टीचर को भी क्या करना है, बच्चों के क्या फीलिंग को, उनकी जो बिहेवियर है उसको क्या है समझना होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल टीचर का भी आ सकता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली दो, यानी एक लिंग्विस्टिक, दूसरी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। थर्ड वन आती है हमारे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीतीय बुद्धि। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होगी, जिसको क्या होगी म्यूजिक के बारे में क्या होगी ज़्यादा समझ होगी, ठीक है। उसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी सेंसिटिविटी टू म्यूजिक एंड पैटर्न, यानी कि वो अच्छे से क्या कर सके म्यूजिक, जैसे होते हैं आपके फॉर एग्जांपल जो कंपोज करते हैं म्यूजिक को वो हो गए, कई जो लिरिक्स लिखते हैं वो हो गए। तो मतलब क्या है यहाँ पे, क्या कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो शो हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मतलब उनको क्या है संगीत के बारे में, उसके रिदम के बारे में, लय के बारे में क्या है ज्यादा नॉलेज है, तो उनमें, उन लोगों में पाई जाएगी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा है लता मंगेशकर, ये यहां पे एक परफेक्ट एग्जांपल बैठता है। तो ये तो इजी था कि क्या था म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसका नाम से ही आपको पता लग रहा था। फोर्थ है हमारे पास बॉडली काइंस्थेटिक, यानी गतिक बुद्धि। बॉडली काइंस्थेटिक का मतलब क्या है, ये इंटेलिजेंस कौन से पर्सन में पाई जाएगी, ये इंटेलिजेंस उन पर्सन में पाई जाएगी जो अपनी बॉडी का, या तो फुल बॉडी का या किसी पार्ट का मतलब या तो हाथ का या तो पैर का, क्या मतलब फुल यूज, या मतलब कैसे होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली यूज कर पाए बॉडी का, किस तरह से फ्लेक्सिबल तरीके से या क्रिएटिव तरीके से। अब ये कैसे होगा आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा, जैसे डांसर होते हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, उनमें पाई जाएगी बॉडली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस। वो क्या है अपनी बॉडी का क्या है क्रिएटिव तरीके से क्या कर पा रहे हैं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, वो भी क्या है अपनी बॉडी का क्या है एक मतलब एक क्रिएटिव तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से क्या है यूज कर पा रहे हैं। जैसे आपके जिम्नास्टिक हो गए, फिर आपके पायलट हो गए, सर्जन हो गए। अब पायलट कैसे हुए, एक आती हैं आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल और एक आती हैं फाइन मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है कि आप बड़े पार्ट का यूज़ करते हो, जैसे डांसर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। और एक आती हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का मतलब है जब आप छोटे पार्ट का यूज़ करते हो, जैसे सर्जन हो गया। सर्जन क्या है, जब सर्जन का क्या काम क्या होता है बेसिकली सर्जरी करना या ऑपरेशन करना, तो वो क्या है वो थोड़े ना पूरे पार्ट का यूज़ करता है, वो क्या है अपने हाथ का यूज़ करता है। तो वो कौन सी इसमें आ गया, वो फाइन मोटर स्किल्स में आ गया है। तो क्या किसके अंडर है, वो भी बॉडली काइंस्थेटिक जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उसी के ही अंडर आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला कि ये बॉडली काइंस्थेटिक में पायलट और ये सर्जन कैसे आएंगे, तो ठीक है। इसका क्या मतलब
मतलब है कि जब पर्सन यूज करना, मतलब किसका, होल या तो पोर्शन का, ठीक है, या तो पूरी बॉडी का या फिर पोर्शन का, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव तरीके से क्या कर पाए, यूज कर पाए, तो उनमें पाई जाएगी आपकी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये थे हमारे चार पार्ट जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, लिंब के, मतलब कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसके आगे जो ये लाइंस हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करते हैं। आइए अब हम जो अपनी नेक्स्ट इंटेलिजेंस है उसको डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास फिफ्थ है, जो पहले हमने कितनी कर ली, चार जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा हमने, जो हार्वर्ड गार्डन के अकॉर्डिंग थी, वो क्या थी वो जो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, वो है लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। ये किन पर्सन में पाई जाएगी, ये कौन से जो व्यक्ति हैं उनमें पाई जाएगी जो क्या कर सकें, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि वो लॉजिक लगा सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, तर्क वितर्क की उनमें क्षमता हो, नंबर के साथ वो अच्छे से खेल सकें, नंबर के साथ खेलने का मतलब है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो उनमें हो। तो ये जो सारी योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, ये किन पर्सन में पाई जाएगी, जिस पर्सन में ये वाली इंटेलिजेंस होगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि मैथमेटिकल स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी एबिलिटी जो क्या करे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें योग्यता हो, जिन व्यक्तियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता हो, वो एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, लॉजिक लगा पाएँ, ठीक है, नंबर के साथ अच्छे से खेल पाएँ, उन पर्सन में ये क्या पाई जाएगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो मैथमेटिशियंस होते हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, जो नंबर के साथ बहुत अच्छा खेल लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, वो प्रॉब्लम को अच्छे से या जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जो फिलॉसफर हैं वो क्या, लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक से क्या है वो जो अपना थ्योरीज होती हैं वो देते हैं, यानी कि क्या इनमें कौन सी एबिलिटी पाई जाती है, थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जो उनमें पाई जाती है। तो ऐसे पर्सन जिनमें ये जो एबिलिटी हैं वो पाई जाएं, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है, उनमें होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अंतर्व्यक्तित्व इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस है, एक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा इंटरपर्सनल, और ये है हमारे पास इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल था, जो पीछे हमने पढ़ा, वो क्या था, वो दूसरों की फीलिंग के बारे में जानना था। वो जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की फीलिंग को अच्छे से समझते हैं, दूसरों को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन ये जो इंट्रापर्सनल है, ये कौन से व्यक्ति होते हैं, ये जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ये कौन से व्यक्तियों में पाई जाती है, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो खुद की फीलिंग के बारे में अच्छे से जानते हो, जो खुद के बारे में अच्छे से जानते हो, जिन्हें पता है, उन्हें पता होता है कि हमारा मोटिव क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हमें आगे करना क्या है लाइफ में, यानी उन पर्सन में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग मोटिव्स एंड डिज़ायर, जिन्हें खुद के बारे में क्या हो, ज़्यादा पता हो, यानी वो खुद की नॉलेज ज़्यादा रखते हैं। और जो हमारे पास इंटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों की फीलिंग की ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये है डिफरेंस इंटर और इंट्रा में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास इंटर था, जो पीछे पढ़ा, उसके एग्जाम्पल क्या थे, लाइक सोशल वर्कर, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे योगी हो गए हमारे, जो संत मुनि होते हैं, वो क्या, वो खुद के बारे में, खुद को ज़्यादा जानते हैं,
जैसे स्पिरिचुअल लीडर हो गए, वो क्या होते हैं, वो खुद के बारे में, खुद को, खुद की फीलिंग के बारे में अवेयर होते हैं, खुद की जो डिज़ायर होती हैं, मोटिव होते हैं उनके बारे में, मतलब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है उनमें ज़्यादा होती है, जैसे पोइट हो गए। अब ये जो पोइट है, ये जो पोइट है ये किस में आ सकता है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, फर्स्ट में कौन सी पढ़ी थी हमने, लिंग्विस्टिक वाली पढ़ी थी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये पोइट वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ कैसे, भाषाई पकड़ ज़्यादा होगी तो ये वहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पोइट यहाँ भी आ सकते हैं। पोइट इधर कैसे आगे, पोइट क्या है इंट्रापर्सनल में कैसे आगे, पोइट पोइट का क्या है कि वो खुद के बारे में अगर अच्छे से जानेंगे तभी तो क्या है, तभी तो वो लिख पाएंगे, तभी तो उनकी भाषा पे क्या होगी, पकड़ अच्छे से होगी, जब वो खुद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आ सकता है, पोइट का भी आ सकता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्राकृतिक बुद्धि। ये कौन से पर्सन में होगी प्राकृतिक बुद्धि, जो क्या हो, जो नेचर के बारे में ज़्यादा जानता हो, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है क्या है ये, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि सेंसिटिविटी टू द फ्यूचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि क्या वो नेचर के बारे में जानता हो, ज़्यादा जानता हो, प्रकृति के बारे में उसको ज़्यादा समझ हो, तो उन व्यक्तियों में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस उन व्यक्तियों में पाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर हो गए, और फिर जो गार्डनिंग करने वाले गार्डनर हो गए, तो क्या है उनमें कौन सी इंटेलिजेंस है, उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। वो क्या है, वो पेड़ पौधों के बारे में, जो फार्मर होते हैं वो अपनी खेती के बारे में, वो क्या है, वो नेचर के बारे में क्या है, सब कुछ वो अच्छे से उनकी समझ जो क्या है बाकी पर्सन से जो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाएगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें पाई जाएगी। ये यहाँ तक होगी हमारी 7 जो इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दी गई थी। अब लास्ट है हमारे पास कौन सी, स्पेशल इंटेलिजेंस। ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस है यानी स्थानिक बुद्धि, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने एग्जांपल से बताया था आपको कि ये क्या है, स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, यानी ऐसे पर्सन जो क्या स्थान को देखकर अंदाजा लगा सकें या विजुअल इमेज बना सकें स्थान को देखकर कि यहाँ पे कैसे कोई चीज़ जो है वो एडजस्ट होगी। जैसे हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर पहले घर बना के थोड़े ना देखते हैं कि हाँ ये ऐसा बनेगा, नहीं, वो पहले क्या, पहले इमेज फॉर्म करते हैं, वो उनके जो मन में जो है वो पहले क्या इमेज फॉर्म होती है कि हाँ यहाँ पे ये वाला रूम सेट होगा, यहाँ पे ये किचन बनेगा, तो वो क्या है, वो एक तरह से क्या है, वो अपनी एक इमेज फॉर्म करते हैं। तो वो किस में आते हैं, वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होती है, एक स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, जिसके कारण वो क्या उन जो है वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। जैसे पेंटर होते हैं, अब पेंटिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो पेंटर होते हैं, जो एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाते हैं, मतलब उनको पता है कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उनमें भी कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे आपके स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पचर क्या होते हैं, मूर्तिकार, उन्हें पता है कि कौन से पत्थर को या कौन सी लकड़ी को कैसे तराश कर कैसे एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जा सकती है, यानी स्थान को देखकर, चीज़ों को देखकर क्या वो अंदाजा लगा लेते हैं, तो उनमें पाई जाती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। आई होप ये जो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं इंटेलिजेंस, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप इन सब को याद रख सकते हो। ये थी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। अब साथ में क्या है, इसके क्रिटिक भी थे, इसकी आलोचना भी की गई। इसकी आलोचना किस बेस पे की गई, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो थ्योरी थी इसकी आलोचना किस बेस पे की गई। इसमें बोला गया इट लैक्स एम्पिरिकल एविडेंस। क्या इंपीरिकल होते हैं आपके जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, अनुभव के बेस पर जो एविडेंस होते हैं वो उनमें कमी थी, थे
हालांकि थे, थोड़े बहुत थे लेकिन कमी थी, लैक था, ऐसे नहीं थे कि थे ही नहीं, क्या थे, थे बट क्या थे, लैक थी, कमी थी उनकी एम्पिरिकल एविडेंस की, ठीक है। तो मतलब कि ज़्यादा उसमें क्या हुई थी, रिसर्च नहीं हुई थी इस थ्योरी में, क्या था, ज़्यादा ये रिसर्च वेस्ट नहीं थी, नहीं थी। तो इस बेस पे भी क्या हुआ, इसकी आलोचना हुई। फिर कई जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो आपने 8 प्रकार की बुद्धि बता दी, ये ज़रूरी थोड़े ना है कि इंटेलिजेंस ही होगी, इसको तो हम टैलेंट भी काउंट कर सकते हैं। अब कोई मान लो जैसे बॉडली काइंस्थेटिक की बात करूं, कोई पर्सन है जो अच्छा जिम्नास्टिक है, अच्छा या कोई और स्पोर्ट्स ले लो उसमें अच्छा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर मेनली हम देखा जाए तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना टैलेंटेड है, हम ये इंटेलिजेंस वर्ड थोड़े ना यूज़ करते हैं। तो कई साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो, इंटेलिजेंस ही हो, ये बुद्धि ही हो, क्या है, ये टैलेंट भी हो सकता है, ये किसी पर्सन का क्या हो सकता है, टैलेंट भी हो सकता है। तो इस बेस पर भी क्या है, हार्वर्ड गार्डन की जो ये थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी आलोचना की गई। और एक और फैक्टर आता है इंडिपेंडेंट का, उन्होंने बोला, जो हार्वर्ड गार्डन थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो सारी जो थ्योरीज हैं, सॉरी ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो उन्होंने जितने प्रकार के बताए, 8 टाइप की बुद्धि बताई, वो बोला था उन्होंने कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर सकती है। अब जो म्यूज़िक है, मान लो कोई अच्छा म्यूज़िक लिखता है, उसमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, हो सकता है वो अच्छा डांसर भी हो, तो क्या है, उसमें बॉडली काइंस्थेटिक भी आ जाएगी, तो क्या है, दो इंटेलिजेंस क्या है जो हमारे पास, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस और बॉडली काइंस्थेटिक, वो तो मतलब एक दूसरे से रिलेट हो गई। तो क्या है, इन्होंने यहाँ पर भी इसका, इनका जो है वो क्रिटिक किया गया, आलोचना की गई। तो आपको ये मेनली ये पॉइंट याद रखने हैं कि इनकी आलोचना किस बेस पे की गई थी। तो ये थी मेनली आपकी किसकी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसके जिसमें हमने पढ़ा मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट जो है, हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इंटेलिजेंस की जो नेक्स्ट थ्योरीज हैं, या तो उनके बारे में पढ़ेंगे या हम इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं उनको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।